आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी क्या है, एसएससी एग्जाम कितने प्रकार के होते हैं, एसएससी की एग्जाम पैटर्न क्या होती है। अगर आप एसएससी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको किन किन पदों पर नौकरी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम भारत के प्रसिद्ध परीक्षा के बारे में जानेंगे, जिस परीक्षा के द्वारा आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। एसएससी एग्जाम के बारे में अधिकतर विद्यार्थी जानते हैं, बस जो विद्यार्थी छोटे गांव से होते हैं उन्हें इस परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। एसएससी क्या है? एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। दोस्तों, एसएससी का गठन भारत सरकार द्वारा 1977 में हुई थी। एसएससी एक बोर्ड है जो कि भारत सरकार के सरकारी विभागों में और मंत्रालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों की नौकरी के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। एसएससी एग्जाम हर साल आयोजित होती है। इसके जरिए आपको हमारे देश के विभिन्न सरकारी विभागों में और मंत्रालयों में सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। आज अधिकतर युवा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और एसएससी एग्जाम इन युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में से एक है। एसएससी एग्जाम के लिए युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छे सरकारी विभाग में अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिल जाए। इसलिए आप सबको इस परीक्षा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस परीक्षा को किसी भी क्षेत्र के छात्र दे सकते हैं जो कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ये परीक्षा हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध परीक्षा में से एक है और 60-70% युवा इस परीक्षा की तैयारी आज कर रहे हैं। एसएससी अलग अलग सरकारी विभाग के लिए हर वर्ष अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराती है। एसएससी परीक्षा कई तरह की होती है। अब हम एसएससी के सारे परीक्षा के बारे में जानेंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टीनो यानी एसटीईएनओ, एसएससी जेई, एसएससी सीएपीएफ, एसएससी जेएचटी। आप एसएससी के इन परीक्षाओं को देखकर भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल क्या है। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल परीक्षा को वो सारे छात्र दे सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और जो अपनी ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष में है। इस परीक्षा को सभी स्ट्रीम के छात्र दे सकते हैं, चाहे उन्होंने साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स विषय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। ये सारे छात्र इस परीक्षा को दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद आपको किन किन पदों पर नौकरी मिलेगी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, फूड इंस्पेक्टर टैक्स, असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऊपर डिविजन क्लर्क, आपको ये सब पदों पर नौकरी मिलेगी। अब हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित कराई जाती है जो छात्र 12वीं परीक्षा दे चुके हैं और जो चाहते हैं कि 12वीं की परीक्षा के बाद ही उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा के द्वारा 4900 पदों पर भर्ती होती है। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के बाद आपको किन किन पदों पर नौकरी मिलेगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब पदों पर नौकरी मिलेगी। अब हम बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में। जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। दोस्तों, एसएससी जेई परीक्षा के द्वारा आपको विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिलती है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा के द्वारा इन्हें विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर नौकरी प्राप्त होती है और सरकारी इंजीनियर बनना बहुत ही सम्मान वाली बात होती है। सिविल जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर, सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर जैसे पदों पर आपको नौकरी मिलती है। अब हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। एसएससी स्टेनोग्राफर के द्वारा आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में स्टेनोग्राफर की नौकरी मिलती है। स्टेनोग्राफर ही किसी मंत्रियों और आईएएस के पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं। अब हम बात करेंगे एसएससी सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है कॉम्बाइंड आर्म पुलिस फोर्स। इस परीक्षा के द्वारा आपको पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर नौकरी मिलती है, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा आयोजित होती है।
अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा के द्वारा आपको बहुत सारी विभागों में जैसे नॉन टेक्निकल पोस्ट पर नौकरी मिलती है। अब हम बात करेंगे एसएससी जेएचटी के बारे में। जेएचटी का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। एसएससी जेएचटी परीक्षा के द्वारा आपको हिंदी अनुवादक के रूप में काम करने का मौका मिलता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों एसएससी की परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसके जरिए आपको हमारे देश के विभिन्न सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पर नौकरी मिलती है। इस परीक्षा में आपसे मैथ, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग जैसे विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 4 चरणों में होती है। पहले 2 चरण की परीक्षा ऑनलाइन होती है जबकि 3रे चरण की परीक्षा ऑफलाइन होती है। 3रे चरण की परीक्षा लिखित परीक्षा होती है और इसमें सारे प्रश्न सब्जेक्टिव तरह के पूछे जाते हैं। 4थे चरण की परीक्षा में स्किल टेस्ट कंप्यूटर की परीक्षा ली जाती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहले चरण की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा ऑनलाइन होती है जबकि 2रे चरण की परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा ऑफलाइन होती है। इसमें आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा भी 2 चरणों में होती है लेकिन इसमें 1रे चरण की परीक्षा ऑनलाइन होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जबकि 2रे चरण की परीक्षा में स्किल टेस्ट ली जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसएससी क्या है, एसएससी एग्जाम कितने प्रकार के होते हैं, एसएससी की एग्जाम पैटर्न क्या होती है और अगर आप एसएससी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको किन किन पदों पर नौकरी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।